हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके और मेरे अपने यूट्यूब चैनल डिजी नॉलेज हब में। आज की इस वीडियो में हम किसी भी डिजिट के नंबर्स को 15 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक जानेंगे। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बच्चों, हमारा जो ये टॉपिक है वो मल्टीप्लाई करना किसी भी नंबर को 15 से। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बेसिक बताऊंगा, फिर उसके बाद हम अपने क्वेश्चंस को फटाफट से सॉल्व करेंगे। तो देखिए, यहाँ पहला क्वेश्चन दे रखा है 12 × 15। सबसे पहले हम यहाँ 12 लिखते हैं, इस 15 को लिख सकते हैं हम 10 + 5। अब देखिए, हमने यहाँ पे 10 + 5 लगा दिया। अब सबसे पहला स्टेप होगा हमारा इसको इससे मल्टीप्लाई करना, तो ये बन जाएगा हमारा नंबर 120। फिर यहाँ पर हम प्लस लिखेंगे, फिर देखिए अब 12 की मल्टीप्लाई हमें करनी है 5 से। तो देखिए, जब हम किसी नंबर को इसी 12 को 10 से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो हमारी वैल्यू बनी 120, और जब हम 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ 10 से 5 पहुँच गए, आधा कर दिया, तो ये वैल्यू भी हाफ हो जाती है। तो मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ कि यहाँ जो नंबर लिखा हुआ है हम इसी का यहाँ पर हाफ लिख देंगे, तो ये नंबर बनेगा हमारा 180। जो इस तरीके से हम इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए, हमने क्या करना है, 15 को 10 + 5 बना लेंगे, इसके बाद में एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे, यहाँ 12 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो आएगा 120। उसके बाद जो नंबर यहाँ पर आता है मल्टीप्लाई करके, हमें उसको हाफ कर देना है और इन दोनों नंबर्स को आपस में जोड़ देना है। इस तरीके से हमारा आंसर बनेगा 180। अरे बच्चों, दूसरा नंबर देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है 18 × 15। तो देखिए, सबसे पहले स्टेप रहेगा जो नंबर दे रखा है उसके पीछे 10 लगा दीजिए, इसके बाद में इसमें इसका हाफ जोड़ देना, तो इसमें हम 90 को ऐड कर देंगे, ये नंबर हमारा बनेगा 270। तो अच्छा, इस तरीके से हम इसे निकाल लेंगे। देखिए, अगला नंबर दे रखा है 236 × 15। तो सबसे पहला स्टेप रहेगा जो नंबर दिया है उसके पीछे 0 लगा दीजिए, इसके बाद में हमें इसका हाफ करना है। देखिए, हम हाफ इस तरीके से भी कर सकते हैं, 2 का हाफ हो जाएगा 1, यहाँ 36 पूरे का हाफ भी हम एक साथ ले सकते हैं, तो यहाँ बनेगा 18 और यहाँ आएगा 0, आपको सिंपली इसे जोड़ देना है। तो देखिए, यहाँ पर कैरी हो जाएगा 3145 और यहाँ आएगा 3540। तो अच्छा, इस तरीके से हम इस नंबर की मल्टीप्लाई कर लेंगे। अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, जो नंबर दिया गया है हमें उस तरह लिख देना है, इसके पीछे 0 लगा देंगे, अगला स्टेप रहेगा हमें इसका हाफ जोड़ना है। तो देखिए, 3 का हाफ जोड़ने के बजाय हम 36 का हाफ जोड़ लेते हैं, यहाँ बनेगा 18, इस 4 का हाफ जोड़ेंगे तो यहाँ 2, और 35 बनेगा इस 70 का हाफ जोड़ेंगे, यहाँ पर आएगा 5, यहाँ आएगा 10, यहाँ पे कैरी 1, यहाँ बनेगा 7, 8 और 6 = 14, कैरी 1, यहाँ आएगा 54705। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, जो नंबर दिया गया है उसी का पहले पीछे 0 लगा देंगे, इसके 4290। अगला स्टेप रहेगा दिए गए नंबर को हमें हाफ कर देना है। तो देखिए, इसका हाफ करेंगे यहाँ 3 आएगा, इस पूरे का हाफ कर लेते हैं 17, इसका अकेले का हाफ करेंगे यहाँ 1, और 90 का हाफ करेंगे तो 45। अब सिंपली इसे जोड़ लेंगे, यहाँ पे नंबर कुछ इस तरीके से बनेगा, यहाँ आएगा 5 और यहाँ बनेगा 9, तो नंबर आ जाएगा 951435। अच्छा, सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, जो नंबर आपको दे रखा है उसे सिंपली लिख देना है और पीछे इसके 0 पुट कर देना है। अब हमें इसके हाफ को इसमें जोड़ देना है। देखिए, 4 का हाफ 2, इस 2 और 6, इस पूरे का हाफ हो जाएगा 3, अब यहाँ पे हमें हाफ करना पड़ेगा, तो यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 6, यहाँ आएगा 8 और यहाँ आएगा 0, क्योंकि यहाँ से कैरी चला जाएगा। इस तरीके से हम इसे जोड़ लेंगे, 8 और 6 = 14, कैरी 1, यहाँ पे 0 आएगा, कैरी 1, 10 और 1 = 11, कैरी 1, 0, कैरी 1, 4 और यहाँ बनेगा 6, 6 4 0 1 0 4 0, ये इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, देखिए, 77th क्वेश्चन कहता है इस नंबर को मल्टीप्लाई करना 15 से, तो हम पहले इसी नंबर को लिख लेते हैं और पीछे इसके 0 पुट कर देंगे और फिर इसके बाद इसका हाफ कर देंगे। तो देखिए, देखिए 52 का हाफ हो जाएगा 26, 34 का हाफ हो जाएगा 17, 6 का हाफ करेंगे तो यहाँ 3 आएगा, और 54 का हाफ हो जाएगा 27 और यहाँ पर 0 लगा देंगे।
इसे जोड़ेंगे, यहाँ 0 आएगा, 7 4 11 कैरी 1 5, 7 और 1 8, या 9, या 1 कैरी 1 3 4 5, यहाँ 8 आएगा और यहाँ पर 7 आ जाएगा, तो आंसर बनेगा 7 8 5 1 9 8 1 0। तो अच्छा, यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके लिए है, तो इसे आप खुद से कीजिएगा फॉर प्रैक्टिस। तो चलो आज के ट्रिक में बस इतना ही। तो दोस्तों, आपको आज का यह टॉपिक कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और आपको यदि मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, हैव अ नाइस डे।